Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स और आप लोग देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर MST। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग रेडमी नोट 9 प्रो और मैक्स यूज़ करते हो, अगर आपका जो सेंसर है मोबाइल का वो सेंसर ठीक से ना काम नहीं कर रहा है तो इसका सलूशन क्या है। तो वीडियो को एकदम स्किप ना करके पूरा वीडियो देखना, और पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग फ़ोन में बात करते हो ठीक है, तब क्या होता है, जब आप लोग कान में लगाते हो तब क्या होता है, आपका जो फ़ोन का लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जब आपका फ़ोन आप कान से थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो क्या होगा, लाइट फिर से जल जाता है। पर थोड़ा मोड़ा टाइम आपको क्या होता है, Redmi Note 9 Pro में ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आपका सेंसर काम नहीं करते। जब आप लोग कान में यानी आपका बॉडी में टच हो जाता है आपका सेंसर के साथ, तब वो लाइट नहीं ऑफ हो रहा है। तो इसमें आपका सोल्यूशन क्या है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो को एकदम स्किप ना करके पूरा वीडियो देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको फ़ोन को शट डाउन कर लेना है, और करने के बाद आपका पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना है ठीक है, 10 सेकेंड तक। जब Redmi का लोगो आएगा तब आप लोग पावर बटन को छोड़ के वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना है। तो इसी तरह के एक इंटरफेस आपको शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको हार्ड रिबूट करना है, नॉट रिसेट ठीक है। तो हार्ड रिबूट का जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें जाके पावर बटन को प्रेस कर देना है, और यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन आता है इसको आपको ओके कर देना है ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका फ़ोन में कोई भी ख़राबी आ जाता है, सॉफ्टवेयर का कोई भी डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके थ्रू आप लोग ठीक कर पाओगे ठीक है। तो अभी फ़ोन ऑन हो रहा है, अभी आप लोग यूज़ करके देख लीजिए आपका सेंसर पर कोई भी प्रॉब्लम